नाउ लेट अस कम टू ट्रीटमेंट ऑफ कीलॉइड पर से. डायरेक्टली हम क्या क्या ट्रीट करते हैं यदि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो क्या क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं. पहला है स्टेरॉइड इंजेक्शन, इसको बोलते हैं इंट्राकीलॉइड इंजेक्शन. और इंट्राकीलॉइड इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड इज द कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं कीलॉइड में. और इसका अपना अपना लिमिटेशन होता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दे सकते. ये डॉक्टर के चॉइस के ऊपर है कितना देना है, कैसे देना है. लेकिन उसमें एक खासियत होती है कि इट शुड बी इंट्राकीलॉइड इंजेक्शन. वो हमारी स्पेशलिटी है, हमको जानकारी होती है कि कहाँ पर देना है और कैसे देना है. ये सभी कोई नहीं प्रॉपरली दे सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये है कि उसमें हम लेज़र थेरेपी दे सकते हैं. आजकल हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, दूसरे भी लेज़र्स हो सकते हैं, उसको कीलॉइड के ऊपर लगाने से उसका फ़ायदा होता है. तीसरा होता है रेडियोथेरेपी एंड क्रायोथेरेपी. ये एडवांस टेक्निक्स हैं. रेडियोथेरेपी हम नहीं देना चाहते क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों में कैंसर की पॉसिबिलिटी बताई गई है, इसलिए हम रेडिएशन नहीं देते हैं. कुछ लोग क्रायोथेरेपी देते हैं, मैं नहीं देता हूँ. लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि ये जितने दूसरे तरीके के हिसाब से कीलॉइड को निकालने की कोशिश करते हैं उसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं. नाउ काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसको कीलॉइड को ऑपरेट करके निकाल दीजिए. मैं ये कहना चाहूँगा कि कीलॉइड की सर्जरी जो है बहुत बेनिफिशियल नहीं है. जहाँ तक के हो सके हमको कंजर्वेटिव मैनेज करना चाहिए, इंजेक्शन लगा के करना चाहिए, लेज़र से करना चाहिए, प्रेशर थेरेपी से करना चाहिए. लेकिन जहाँ तक के हो सके सर्जिकली इसको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. क्योंकि जब सर्जरी करते हैं तो हो सकता है कि सर्जरी से, और यदि पर्सन को टेंडेंसी है तो उसमें मोर स्कार विल बी फॉर्म और उसके रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. प्लास्टिक सर्जन को हमको पता होता है कि कौन से स्कार को हम ऑपरेट कर सकते हैं. तो लीव द चॉइस टू द सर्जन, उनके साथ अच्छे से डिस्कस करके फिर उसका सर्जिकल इलाज कराइए. और शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि जैसे बर्न के बारे में बताया था, डीप डर्मल बर्न में जो कीलॉइड होते हैं उसमें हम ऑपरेट करके उसको निकाल करके हम स्किन ग्राफ्ट लगा सकते हैं, तो उसमें यूजुअली रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं. तो इसको आप सर्जन या डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए कि डिसाइड करे कि किसका सर्जिकल उपचार कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं. लास्टली ये बताऊंगा कि ईयर कीलॉइड जो होते हैं वो सर्जिकली पॉसिबल है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकली उसको रिमूव करके फिर उसमें आगे थेरेपी देना चाहिए ताकि उससे फिर से होने के चांसेस कम से कम होते हैं. आशा है कि ये जो जानकारी दी हुई है ट्रीटमेंट के बारे में, ये आपके लिए यूज़फुल है, सहायक है. आपके या आपके रिश्तेदार या आपके आसपास किसी को कीलॉइड है तो आप उसको सही सलाह दे सकते हैं. और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं. जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और यदि आपको पर्सनली सलाह चाहिए तो आप नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में ईस्ट ऑफ कैलाश में आके सलाह ले सकते हैं. धन्यवाद.